गाइज, लास्ट वीडियो में हमने अंडर 15,000 के बजट में आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जाना था, जो आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रहे थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट करना। बाकी इस वीडियो में मैं आपको अंडर 20,000 के बजट में आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको इस सेल के दौरान काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिलने वाले हैं। तो अगर गाइज आपका बजट 20,000 है और आप इस बजट में अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने स्मार्टफोन्स की तरफ। आज के इस वीडियो में गाइज हमने 5 स्मार्टफोन्स को पिक करा है एंड ये सभी स्मार्टफोन्स एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन आखिरी के 2 स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा खास हैं। नंबर 5 पर गाइज हमने एक 5G स्मार्टफोन को लिस्ट किया है एंड यहाँ पर गाइज आपको ठीक ठाक गेमिंग करने को मिल जाता है, साथ ही एक अच्छा कैमरा क्वालिटी मिल जाता है। कैमरे में गाइज आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बाकी गाइज डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी काफी गजब है। तो रियलमी 9 5G हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। चलिए चलकर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। यहाँ पर गाइज आपको MediaTek Dimensity 810 का 5G चिपसेट मिलने वाला है, जो एक बहुत ही तगड़े लेवल का चिपसेट है एंड ये चिपसेट 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। गेमिंग को लेकर बात करें तो गाइज काफी ठीक ठाक गेमिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस फोन के प्यारे से कैमरे को लेकर। तो यहाँ पर गाइज आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रहता है। एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे को लेकर तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। यहाँ पर गाइज आपको दोनों कैमरे में EIS वीडियो और साथ ही स्टेबिलाईजेशन जैसे कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं, जो काफी लाजवाब होते हैं। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी में गाइज आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और दिन में आप इस फोन के कैमरे से काफी अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले को लेकर तो 6.5 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 180 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी गाइज काफी अच्छा है, लेकिन HDR कंटेंट आप यहां पर प्ले नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को लेकर तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 18W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड डाल पाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रहेगा और 3.5mm का जैक यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहता है। बाकी स्मार्टफोन की प्राइसिंग को लेकर बात करें तो यहाँ पर 6128 वाले वेरियंट का रियल प्राइस 20,000 से 21,000 रहता है, लेकिन इस सेल के चलते आपको ये वेरियंट 15,000 की कीमत में मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता गाइज इससे अच्छा डील आपके लिए कोई हो सकता है। एंड यहाँ इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। नंबर 4 पर गाइज हमने एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन को पिक करा है। वैसे तो गाइज ये सभी स्मार्टफोन एक अच्छा कैमरा क्वालिटी दे जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छे कैमरे को लेकर बात करें तो ये स्मार्टफोन सबसे ऊपर आ जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर है। चलिए चलकर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर गाइज आपको MediaTek Dimensity 900 का एक अच्छा चिपसेट मिल जाता है, जो की 6 nm पर बेस्ड रहता है। साथ ही ये चिपसेट 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। लेकिन जो लोग स्पेशली गेमिंग करना चाहते हैं और इसके लिए एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी एवरेज गेमिंग यहां से आप निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इस फोन के कैमरे की तरफ, जो कि इसका मेन हाईलाइट पार्ट है। तो यहां पर गाइज आपको मिलता है 108 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का मैक्रो कैमरा एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे को लेकर तो 32 MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है। कैमरा गाइज चाहे रियर हो या फिर सेल्फी, दोनों ही काफी तगड़े हैं और यहाँ पर गाइज आप दोनों कैमरे से 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा क्वालिटी में गाइज आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले को लेकर तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो की 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाता है। साथ ही इस डिस्प्ले पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओवरऑल काफी प्रोटेक्टेड डिस्प्ले है, साथ ही आपको एक अच्छा इंटरफेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन की बैटरी को लेकर तो यहाँ पर गाइज आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है, लेकिन इस स्मार्टफोन की बैटरी 25W के चार्जर को सपोर्ट कर जाती है।
यहाँ इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक रहता है जो कि काफी अच्छी बात है। फाइनली इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग को जान लेते हैं। तो वैसे तो गाइस 628 वाले वेरिएंट का रियल प्राइस 21,000 है, लेकिन यहाँ पर आपको काफी अच्छे ऑफर्स और काफी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, जिसके बाद ये वेरिएंट आपको 20,000 की कीमत में मिल जाएगा। यहाँ इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। नंबर 3 पर गाइज हमने एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन को पिक करा है। तो यहाँ पर गाइज अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आप काफी तगड़े लेवल का गेमिंग कर पाएं, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपके लिए है। Realme Narzo 50 Pro 5G हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। चलिए चलकर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। यहाँ पर गाइज आपको MediaTek Dimensity 920 का 5G चिपसेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही तगड़ा चिपसेट है। 6 nanometer पर बेस्ड है, 500,000 तक का एंटी टू स्कोर मिल जाएगा, 5 GB तक का वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हो। साथ ही ये चिपसेट 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। ओवरऑल गाइस काफी तगड़े लेवल का चिपसेट है एंड यहाँ पर आप काफी नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर पाएंगे। बढ़ते हैं इस फोन के कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर गाइस आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। यहाँ इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 4K 30fps के साथ और 1080p 60fps तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे को लेकर, तो 16 megapixel का सेल्फी शूटर मिलता है, जिसके चलते आप 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल गाइज इस बजट में आपको काफी अच्छा कैमरा क्वालिटी यहाँ पर मिल जाएगा एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है, तो आप इसे व्लॉगिंग में भी काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz के टच सैंपलिंग रेट के साथ मिल जाता है। 1000 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, साथ ही इस डिस्प्ले पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर गाइज आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी जबरदस्त मिल जाता है, साथ एक सुपर AMOLED डिस्प्ले है, तो आप यहां पर काफी अच्छे से कंटेंट प्ले कर पाएंगे। बाकी बात करते हैं इस फोन की बैटरी लाइफ को लेकर, तो यहां पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यहां इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनका वॉल्यूम लेवल काफी अच्छा है। 2 SIM कार्ड यहां पर आप इंसर्ट कर पाएंगे, SD कार्ड का ऑप्शन नहीं रहता है। 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर करता है। फाइनली इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग को भी जान लेते हैं। तो अभी के टाइम में गाइस बिना किसी ऑफर के आपको 628 वाला वेरिएंट 18,000 की कीमत में मिल जाता है। एंड यहाँ इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। नंबर 2 पर लिस्ट करे गए इस स्मार्टफोन को आप एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन, साथ ही साथ एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस फोन के कैमरे से भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एंड ओवरऑल आपको स्पेक्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। Vivo T1 Pro 5G हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। चलिए चलकर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर गाइस आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो कि 6 nanometer पर बेस्ड है। चिपसेट गाइस काफी पावरफुल है, तो यहाँ पर काफी तगड़े लेवल का गेमिंग कर पाएंगे। बाकी बढ़ते हैं इस फोन के कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिलता है 64 megapixel का प्राइमरी कैमरा, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 megapixel का मैक्रो कैमरा रहता है। एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे को लेकर, तो 16 megapixel का सेल्फी शूटर मिल जाता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस फोन के कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और ओवरऑल आपको दिन में इस फोन के कैमरे से काफी अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं इस फोन के डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको 1300 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जो आउटडोर में भी गाइस आपको काफी मजा देगा। ओवरऑल गाइस डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा है, साथ ही इस डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं इस फोन के बैटरी लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको 4700mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। पर्सनली गाइस मैं अपना बताऊं तो मुझे बैटरी बैकअप यहाँ पर काफी कम लगा, लेकिन यहाँ पर 66W तक का फ्लैश चार्जर आपको मिलता है, जो आपके इस फोन की बैटरी को केवल 18 मिनट के अंदर 50% चार्ज करने की ताकत रखता है। पहले बात करते हैं इस फोन के एक्स्ट्रा फीचर्स को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलता है, जिसमें आप 2 SIM या फिर 1 SIM और 1 memory card डाल सकते हैं एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है। चलिए जल्दी से इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग को भी जान लेते हैं। तो अभी के टाइम में गाइस 628 वाले वेरिएंट के लिए आपको 24,000 रुपए देने होते हैं, लेकिन यहाँ पर गाइस आपको काफी अच्छे ऑफर्स और काफी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, जिनके चलते ये स्मार्टफोन आपको 20,000 की कीमत के अंदर मिल जाता है। एंड यहाँ इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम अपने नंबर 1 स्मार्टफोन की तरफ।
नंबर वन पर गाइज हमने एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन रखा है एंड आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ पर आपको 8GB रैम के साथ 256GB तक का स्टोरेज मिलने वाला है। तो इनफिनिक्स नॉट 10 प्रो हमारी इस लिस्ट में नंबर वन पर है। चलिए चलकर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। यहाँ पर गाइज आपको MediaTek Helio G95 का एक बहुत ही दमदार चिपसेट मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड रहता है। गेमिंग को लेकर बात करें तो यहाँ पर गाइज आप हाई ग्राफिक्स वाले गेम को भी बड़ी ही स्मूथली खेल पाएंगे। बढ़ते हैं इस फोन के प्यारे से कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। एंड यहाँ इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे के लिए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है और सेल्फी कैमरे से भी आप 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस स्मार्टफोन में गाइज आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे गाइज आप एक परफेक्ट क्वालिटी वाला पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल आपको एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल जाएगा। इस फोन की डिस्प्ले की तरफ तो यहाँ पर आपको 6.95 इंचेस का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 180 हर्ट्ज के डिसअसेंबलिंग रेट के साथ मिल जाता है। 480 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा। साथ ही इस डिस्प्ले पर आपको NEG Dynorex T2X1 ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। ओवरऑल गाइस टॉप नॉच डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन के बैटरी लाइफ को लेकर तो 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी जिसको चार्ज करने के लिए 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड एक साथ डाल पाएंगे। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के तौर पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रहेगा एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है। बाकी चलिए इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग को जान लेते हैं। तो वैसे तो गाइस 8256 वाला वेरिएंट आपको 20 से 21 हजार की कीमत में मिलता है, लेकिन इस सेल के दौरान ये वेरिएंट आप 17 हजार की कीमत में मिल जाएगा। यहाँ इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यही थी गाइस 20 हजार की कीमत में आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन जो आपको इस सेल के दौरान काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। एंड बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन वाले पार्ट की कि इस वीडियो में लिस्ट करे गए सभी स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन किस चीज के लिए बेस्ट है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर गाइस आप 20,000 की कीमत में अपने लिए एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं Realme Narzo 50 Pro 5G के साथ, Vivo T1 Pro 5G के साथ। इसके अलावा Infinix Note 10 Pro भी एक अच्छा गेमिंग आपको करा देगा। इसके अलावा एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो Samsung Galaxy M53 5G आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा Vivo T1 Pro 5G भी आपको एक अच्छा कैमरा क्वालिटी दे जाएगा। सुपर या फिर ऑलराउंडर स्मार्टफोन देख रहे हो तो आप जा सकते हैं Realme 9 5G के साथ एंड Infinix Note 10 Pro भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। इसके अलावा बेस्ट डील सेक्शन में हमने Realme 9 5G और इसी के साथ Samsung Galaxy M53 5G को रखा है। बाकी गाइस आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी स्मार्टफोन पिक कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलते रहें। चलिए मैं मिलता हूं सर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।